नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूँ आपके साथ गोपी सैनी। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत शाहपुर में मौजूद है और सभी को पता ही है कि नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो शाहपुर नगर पंचायत से निवर्तमान चेयरमैन परमेश सैनी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। तो क्या फिर वे भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, क्या कुछ वे मुद्दे रहने वाले हैं और क्या इनकी किससे टक्कर होने वाली है, सीधे हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त हम इनके आवास पर मौजूद हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। जी स्वागत है, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मुझे दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया। और रही मुद्दों की बात, सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा कस्बा किसी भी चीज़ में कम नहीं है। यहाँ हर तरह सुख शांति है। और चुनाव जो मेरा चुनाव होने वाला हाजी इलियास से, हाजी इलियास जो हैं लोकदल सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्हीं से मेरा आमने सामने का चुनाव है। तो क्या मानते हैं अभी आप बात कर रहे हैं विकास की, 5 सालों में सुरक्षा की कितनी तस्वीर बदली है शाहपुर नगर पंचायत की? शाहपुर की नगर पंचायत की तस्वीर तो पूरा क्षेत्र, पूरा कस्बा आपको बता देगा कि पहले क्या था और 5 सालों में मैंने क्या किया। मैंने प्रयास किया कि हर वर्ग को लेकर, हर संप्रदाय के लोगों को साथ चल कर लेकर साथ चलने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, इन 5 सालों में कभी भी कोई तनाव नहीं हुआ, किसी ऐसे आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी पूरे 5 सालों में कि कोई शाहपुर में आके कोई सांप्रदायिक बात करता हो जी। और सांप्रदायिकता की कोई गंदी घिनौनी हरकत करता हो जी। 5 साल से पूरी शांति रही। सबसे मेन समस्या थी कस्बे के चौराहे पर जाम लगने की। माननीय मंत्री जी के, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से ये काम पूरा हुआ और चौधरी चरण सिंह चौक का निर्माण हुआ। अभी आप टक्कर की बात कर रहे हैं, हाजी इलियास से गठबंधन से है, तो कितना मानते हैं उनसे, क्या कितना टक्कर रहने वाली है? आमने सामने का चुनाव है जी, और परमात्मा ने चाहिए ठीक ठाक चुनाव लड़ेंगे, आगे भगवान की इच्छा। तो आगे भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे हम भी जान लेते हैं कि परमेश सैनी को कितना समर्थन कर पा रहे हैं और क्या लगता है कि एक बार फिर ये चेयरमैन बन पाएंगे। जी क्या लगता है? जी मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सैनी और मैं गाँव नारा से पूर्व प्रधान, सदर ब्लॉक में मेरा गाँव पड़ता है। और मैं यहाँ पे जो है, मुझे जानकारी मिली कि परमेश जी का जो है भाजपा ने दोबारा जो है सिंबल दे के टिकट घोषित कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। और मैं इसी मध्य को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। और चुनावी परिभाषा में अगर कहेंगे आप, तो रही टक्कर की बात, जहाँ तक भी मैंने 2-4 लोगों से संपर्क जताया तो उसमें मैंने पाया कि यहाँ पर जो है भाजपा का जो है वर्चस्व बना हुआ है। और रही कार्य की बात, विकास कार्य भाजपा का आप देख ही रहे हैं, और ये कस्बे में नहीं है, किसी गांव में जाके देखेंगे आप, किसी ब्लॉक स्तर पर देखेंगे, कहीं भी जाके देखेंगे तो विकास की तो हर जगह आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा अपना मानना है कि परमेश जी जो है बहुत अच्छे हिसाब के आदमी हैं, और मेरा मानना ये भी है कि चुनाव जीत की तरफ बिल्कुल पूर्ण रूप से निश्चित जीत रहे हैं। यानी एक बार फिर मौका मिलने वाला है? बिल्कुल 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 मौका मिलेगा, पूर्ण रूप से मौका मिलेगा। क्या लग रहा है जी, फिर से चेयरमैन बन पाएंगे? जी बड़ा अच्छा कार्य रहा 5 साल के लिए, आगे भी चेयरमैन यही बनेंगे, कोई जी पब्लिक में कोई बुराई नहीं है। किस तरह का समर्थन मिल पा रहा है अभी तक? पब्लिक का सबका समर्थन है। तो हमने निवर्तमान चेयरमैन परमेश सैनी से बात की है, साफ तौर से कहना है कि उनकी टक्कर गठबंधन से जो प्रत्याशी है इलियास, उनसे होने वाली है। और 25 सैनी यानी कि जो निर्दलीय इस मैदान में है, उन्हें लगता है कि वे खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो टक्कर होगी साफ तौर से वह हाजी इलियास के साथ रहने वाली है। मैं गोपी सैनी अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मुजफ्फरनगर शाहपुर।